कोटा की गुमनपुरा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक दो नहीं बल्कि चोरी के 53 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बीते दिनों रावतभाटा रोड पर मोबाइल शॉप में सेंधमारी की वारदात के बाद से ही पुलिस चोर की तलाश में थी। जैसे ही चोर गुमनपुरा बाजार में एक एक कर मोबाइल बेचने आया तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा और 3 दिन के रिमांड अवधि के दौरान आरोपी चंद्रवीर से चोरी के 53 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये वही मोबाइल और लैपटॉप है जो आरोपी ने मोबाइल शॉप की दीवार तोड़कर चुराए थे। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में करीब आधा दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। एक मोबाइल शॉप जो कि रावतभाटा रोड पर स्थित है, उसकी पीछे से दीवार तोड़कर और उसमें से करीब 55 मोबाइल और एक लैपटॉप और एस सीरीज वगैरह अज्ञात व्यक्ति ले गए थे, जिसपे हमने अनुसंधान के बाद में चंद्रवीर खींची निवासी कोटड़ी को गगिरफ्तार किया था। पहले उससे 9 मोबाइल बरामद किए थे, कल हमने उससे बाद अनुसंधान 46 मोबाइल और एक लैपटॉप और एस सीरीज मोबाइल्स की बरामद की। इस प्रकार उस मुकदमे में टोटल 55 मोबाइल फ़ोन, जिसमें 5 आईफोन थे और एक लैपटॉप जो चोरी गया था, वो सभी सामान बरामद हो गया। उसका प्रथम एक दिन का पीसी, फिर 2 दिन का पीसी और आज पुनः उसको कोर्ट में पेश करके 1 दिन का पीसी प्राप्त किया गया। जी बिल्कुल, इसने रावतभाटा रोड पे पीछे से मल्टीपर्पज की बाउंड्री के पास से सेंधमारी करके मोबाइल लेके गया था। प्रकरण भी इसके पुराने, इसके खिलाफ में पूर्व में 7 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें से 5 चोरी के हैं और एक धार्मिक स्थल पर पत्थर फेंकने का है और एक मारपीट का मुकदमा दर्ज है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।